हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, इस बार हम देखेंगे कि कैसे हम किसी भी बिल के ऊपर, ठीक है, हम अपना लोगो और अपना क्यूआर कोड, जिससे कस्टमर स्कैन करे और उसी अमाउंट जो हमने बिल के ऊपर अमाउंट है उसको पे करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सॉफ्टवेयर को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। EGMIN ID पासवर्ड डाल देता हूँ मैं अपने, एडमिन एडमिन, आप अपना कुछ भी रख सकते हो। और अब देखिए, जैसे मैं आपको पहले एक बिल प्रिंट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए, जैसे हमने ये पिछले कुछ वीडियोस में ये बिल क्रिएट किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं अगर इसको प्रिंट पे क्लिक करूँ तो मेरे पास प्रिंटर चूज़ करने का ऑप्शन है, यहाँ पे पेपर चूज़ करने का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया फीचर आया है, ये वाला प्रिंट विद लोगो, ठीक है। ये 2 इंच और 5 इंच तो था ही, तो 2 इंच बेसिकली वो है जिस पे हम 2 इंच पेपर, अगर थर्मल प्रिंटर है तो वो उस पे प्रिंट निकाल सकते हैं। 5 इंच में वो है अप टू 5 इंच, मतलब 3 इंच 4 इंच 5 इंच अगर हमारा कोई भी रोल पेपर हो तो सपोर्टेड है। उसके बाद हमारा रोल पेपर कोई भी इंच का हो, 2 इंच 3 इंच 5 इंच, हम विद लोगो के साथ प्रिंट देना चाहें तो वो भी हम दे सकते हैं। और A4 पेपर और A4 का हाफ, ठीक है, तो हम दोनों प्रिंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो बाकी सब तो हमने सा पुरानी काफ़ी वीडियोस में कवर कर रखे हैं, तो ये वाला नया फीचर था कि हम लोगो भी दे सकते हैं और अपना क्यूआर कोड भी दे सकते हैं। तो मैं एक बार आपको डेमो दिखा देता हूँ पहले प्रिंट करके इस बिल को, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने इस बिल को प्रिंट पर क्लिक किया है तो यहाँ पर ये बिल पूरा खुल चुका है, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक बिल आ गया, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक मैंने डेमो बिल बनाया है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो स्कैन क्यूआर आया है, आप इसको स्कैन करके भी देख सकते हो, ठीक है। ये एग्जैक्ट उसी अमाउंट का आया है जिस अमाउंट का हमारा बिल था, ठीक है। तो हम डायरेक्ट कस्टमर को कह सकते हैं कि आप स्कैन एंड पे कर सकते हो बिल के ऊपर ही, ठीक है। ऊपर अपना लोगो वगैरह आ गया, ठीक है। तो हम ये जो बिल का फॉर्मेट है ये हम बनाना सीखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, कुछ भी नहीं है ज़्यादा इसमें। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, एडमिन लॉगिन पर क्लिक करना है, जो एडमिन लॉगिन यहाँ पे दिखा रहा है हमको। उसके बाद हमको यहाँ पे आना है कंपनी डिटेल्स, ठीक है। कंपनी डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक बटन है एडवांस, एडवांस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपकी UPI ID डालनी है ताकि कोई भी कस्टमर आपको पे करे तो वो डायरेक्ट आपकी ID पे पे हो जाए, आपकी ऐप पे पेमेंट आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी ID डालनी है, UPI ID, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंपनी की UPI ID डाल रखी है। और यहाँ पे देखिए, ये लिखा है QR की हाइट एंड QR की विड्थ बाई डिफ़ॉल्ट 120 होती है, ठीक है। आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। ये इसलिए है कि अब कल को आपको लगे कि QR कोड ज़्यादा बड़ा आ रहा है, और छोटा अगर होता तब भी स्कैन हो जाता, तो आप इसको छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको पूछ रहा है शॉप का लोगो, तो यहाँ पे आपके पास चूज़ का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से कोई भी अपना एक लोगो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। लोगो का फॉर्मेट जो है वो PNG फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। तो आप कोई भी आप अपना चूज कर सकते हो लोगो, और यहाँ पे आप अपना लोगो लगा सकते हो, ठीक है। उस लोगो की हाइट एंड विड्थ वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये अभी UPI ID है, यहाँ पे मैं एक लोगो चूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ, डाउनलोड्स में जाता हूँ, OD पे जाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे मैंने एक लोगो चूज कर लिया है, ठीक है, अब मैं इसको सेव पे क्लिक कर देता हूँ, ओके, एंड इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, इसको भी यहाँ से क्लोज करता हूँ, ठीक है। नाउ रिफ्रेश करता हूँ, एंड अगेन इसी सेम बिल को 102 को मैं दोबारा प्रिंट करता हूँ, और देखते हैं इसी पेपर के साथ, ठीक है, रोल पेपर विद लोगो, यहाँ मैं उसको प्रिंट देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, ट्विन बुक का लोगो इस पर रहेगा, ठीक है। देखिए, ये आ गया ट्विन बुक का लोगो, हम इसको छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हैं। इनवॉइस लिखा आ गया, XYZ स्ट्रीट आ गया, और हमारी जो शॉप का नेम है वो हाईलाइट हो गया बोल्ड कैरेक्टर्स में। और ये देखिए, ये अपना बिल आ गया 258 का विद QR स्कैनर, ठीक है। तो आप अपनी दुकान का नाम वगैरह यहाँ से लिख सकते हो, कर सकते हो। उसके बाद कुछ सेटिंग्स हैं यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। जैसे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है, तो पोर्ट्रेट रखना है आपको, और मोर सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कुछ भी जो अगर हेडर एंड फुटर टिक मार्क है तो हमको इसको अनटिक कर देना है, ठीक है, ताकि हमारा जितना मैटर है उतना ही प्रिंट आउट निकले। और उसके बाद एक्चुअल साइज वगैरह ये सब आप देख सकते हो, ये आपको हिट एंड ट्रायल पे ही आंसर मिलेगा कि आपने एक बार ये सेटिंग की, आपने प्रिंट निकाला, अगर ऊपर नीचे आ रहा है तो आप इसको यहाँ से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो
आई थिंक इट्स इनफ। और हाँ, एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, वो मैं बता देता हूँ। इसके लिए एक आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी दूसरी, ठीक है? हो सकता है कभी कभी जो बीच वाला जो फॉर्मेट है वो सही नहीं आता, ठीक है? तो उसके लिए हमको क्या करना है, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है, न्यू पर क्लिक करना है और एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है। इस टेक्स्ट फाइल को सिंपली ओपन करना है, इस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? हाय एक्स वाई जेड कुछ भी। दूसरा, हमको फाइल पे जाना है, पेज सेटअप पे। पेज सेटअप पे देखिए, जनरली अगर आपके पास थर्मल प्रिंटर है और वो आपके सिस्टम से अटैच्ड है, तो यहाँ पे जो है आपका पेपर साइज आएगा कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको, यहाँ पे लिखा आएगा 210x80x210, समथिंग ऐसा लिखा आएगा। हमको पेपर साइज हमेशा यही रखना है, पेपर साइज विल लाइक यस, ठीक है? ऐसा ही हमेशा रखना है। और अभी मेरे इसमें दिखा नहीं रहा है क्योंकि प्रिंटर जो है वो अटैच है नहीं, ठीक है? और यहाँ पे देखिए, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हमको चारों तरफ जीरो मार्जिन कर देना है, ठीक है? इसके बाद हेडर्स ब्लैंक कर देना है, अगर यहाँ पे कुछ भी लिखा हो तो हमको यहाँ से सेलेक्ट करके उसको हटा देना है, ठीक है? इसी तरह फुटर पे भी अगर कुछ भी लिखा हो तो हमको सेलेक्ट करके हटा देना है पूरा ब्लैंक, और हमको ओके पे क्लिक कर देना है। दूसरी सेटिंग ये है, फॉर्मेट पे क्लिक करके फॉन्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए, ये डिट्टो जो मैंने यहाँ पे फॉन्ट लिख रखे हैं, कॉन्सोलाज बोल्ड इटैलिक, और साइज में हमको कर देना है 8, अगर हमारा प्रिंटर 3 इंच है तो। अगर हमारा प्रिंटर 2 इंच है तो हमको यहाँ पे साइज कर देना है 7, और अगर लग रहा है आपको प्रिंट पे सही नहीं आ रहा तो आप 6 भी कर सकते हो, ठीक है? बेसिकली हम 8 रखते हैं, हमारा 3 इंच का प्रिंटर होता है जिसका 18x210 आ रहा है, ठीक है? और अगर किसी का प्रिंटर पेपर साइज अगर 2 इंच हो, ठीक है, तो हम वहाँ पे ऑप्शन आएगा 58x210, ठीक है? तो ये हमको सेलेक्ट करना है। मैं इसको जूम करके बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, क्लियरली विजिबल रहेगा, ठीक है? पेपर साइज 3 इंच हो तो ये, ठीक है? तो ये हमको पेपर साइज सेलेक्ट करना है, बाकी सेम सेम रहेगी सेटिंग सब कुछ। और हाँ, अगर ये हमारा सब कुछ हो जाए तो यहाँ पे हमको फाइल पे क्लिक करना है और एक बार फाइल को प्रिंट करना है। सारी सेटिंग होने के बाद हमको फाइल को एक बार अपना जो सेलेक्टेड प्रिंटर है वो प्रिंटर सेलेक्ट करना है एंड प्रिंट पे क्लिक करना है। जैसे ही फाइल प्रिंट हो जाए तो फिर हमको फाइल को सेव करना है और उस फाइल को क्लोज कर देना है। आपको सारी नोटपैड की फाइल्स क्लोज करनी है एंड देन ही आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है? एंड देन आप सीधा प्रिंट निकालिए, एकदम बेस्ट प्रिंट आउट निकलेगा, ठीक है? मैं यहाँ पे एक दूसरा बिल प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये प्रिंट प्रिंट बिल लोगो, तो ये देखिए, ये मेरा बिल प्रिंट आ गया, एकदम परफेक्ट। सो थैंक यू गाइस, इफ यू फेस एनी चैलेंज एनी प्रॉब्लम आप कभी भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस।